नमस्कार खांटी ओडिया रेसीपी चैनल को आपण मान स्वागत। आज मुण पणस चिंगुड़ी बेसर रेसीपी नहीं आसी तेज रेसीपी को आरंभ करने पूर्व जदि ये जाए आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेज चैनल को सब्सक्राइब करनी और छोट बेल आइकन को क्लिक करनी जहाद्वारा आप नुआ भिडस नोटिफिकेशन पाइपर तेज आसन देखिए आज रेसीपी पणस चिंगुड़ी बेसर पर प्रथम आमको कंचा पणस दरकार। पणसर चोपा छड़ी सारापर मीडियम साइज़ रे खंड खंड कर अल्प पा दे कि रखी जहाद्वारा पणस को रांधिया पर्यंत यह कला पड़े ना। ये मुझे 200 ग्राम बड़ चिंगुड़ी नहीं यार चोपा छड़ी यहाँ डेवेन करपर यार मुंड और लांज को मध्य अलग करनी आम ए स्वाद अनुसार अल्प लुण हलदी गुंड को दे भल भाव गोल सारापर यह मैरिनेट हाँप कि समयपाई छाड़ीद। ये बेसर मसला को बनवाई ये मुझे गोटे बड़ा चामच सोरिष नहीं सहित आधा चामच गोटा जीरा नहीं 10-12 कला रसुण छोट खंडे अदा नहीं अल्प पा दे कि चिकण करके बाटी नवा एवं आम यहीपर गोटे कड़े को गरम कर गोटे ग्लास पा पकेबा और स्वाद अनुसार अल्प टिके लुण हलदी गुंड को पकेबा यह सहित काटिकी रखिता पणस को एमें मीडियम फ्लेम 10-15 मिनिट पर पणस सीझा जाए यह आम कुक करवा। पणस को सीझा समय आप कड़ाई में बेसी पा दे पणस खंड गुड़िकपरी पा बुड़ी रोक केवल से पा देते और जदि आप प्रेसर कुकर सीझापी चाहते तेज यह मीडियम फ्लेम रे गोटे विशिल आसवा जाए कुक करेंगे। पणस सीझा भितर आम मैरिनेट कर रखा चिंगुड़ी को भाजी ना चिंगुड़ी को भाजापी गोटे कुकिंग पैन को गरम कर अल्प सोरिष तेल पकई तेल भल भाव गरम हो गला आम ए मैरिनेट कर रखा चिंगुड़ी को दबा और चिंगुड़ी को चारि तरफ़ भल भाव गोल्डन ब्राउन हवा जाए यह आम कि समय पर भाजी नवा। चिंगुड़ी आम ये बहुत भल भाव भाजी हो जाए सीझापी रखि पणस को चेक करवा पणस ये आम पखापाखी 80 शतकड़ा सीझी एवं आम यह अधिक सीझेबा ना कारण पणस चिंगुड़ी सहित झोल आउ कि समयपाई कुक हम तेणु एवं आम पणस को पा रु अलग करदे आम छाणिक रखिता सीझा पणस को किसी समयपाई भाजी नवा यहाँ बेसर तरकारी पणसर स्वाद बहुत बढ़िया आसी थाए तेणु मुझे ये गोटे कड़ाई को गरम करी पाखापाखी 1.5 टीस्पून तेल पकई आम ए पणस को पक गैस फ्लेम को मीडियम रे रखी यहाँ मात्र 2-3 मिनिट पर भाजी नवा। पणस यहपर भाजी हो गला गोटे प्लेट्रे काढ़ी सामान कड़ाई यार तरकारी को प्रस्तुत करने आम आवश्यक मुताबक सोरस तेल पकवा तेल भल भाव गरम हो गला आम ए किसी कटा पिज पकेबा ये मुझे गोटे मीडियम साइज़र पिज नहीं एकदम छोट छोट कर पिज बादामी रंग है जाए यहाँ आम मीडियम फ्लेम रे किसी समय पर भाजी नवा। पिज यहपर हाल्का बादामी रंग हो गला आम प्रस्तुत कर बेसर मसलू 1.5 चामच पकेबा यह सहित मसला जारे अल्प पा दे कि धोई दबा सहित किसी कटा टमाटो स्वाद अनुसार अल्प हलदी गुंड लंका गुंड को पक गैस फ्लेम को लो मीडियम रे रखी यहाँ आम 4-5 मिनिट पर भल भाव कषि नवा। बेसर मसला को अधिक समय कषिले जेहेतु यह पिता लगे तेणु यह 4-5 मिनिट रु अधिक समय पर कषे ना और मसलूपर तेल अलग हो गले आम भाजिक रखिता पणस और चिंगुड़ी को दे यह मसला सहित भल भाव मिसी नवा। पणस और चिंगुड़ी को मसला सहित भल भाव मिसी सारापर आम ए स्वाद अनुसार किसी लुण पकेबा ध्यान रखिए आम पणस को सीझापी कि लुणर व्यवहार करते सहित चिंगुड़ी को भाजापी लुणर व्यवहार करते तेणु आपड़ ये निज स्वाद अनुसार लुणर व्यवहार करेंगे।
स्वाद अनुसार लुण पक सर आम एर गोटे ग्लास पा पकेवा तरकार ग्रेवि प्रस्तुत करने तरकारी बेस झोल झोल हो न था सेमी ग्रेवि होता है और पणस जेहेतु आमर ये 80% सीझी जाइए और चिंगुड़ी सीझाप बेस समय लगे ना तेणु आप हिसाब से पानीर व्यवहार करेंगे। बर्तमान ग्यास फ्लेम को मीडियम टू हाई रखी यहाँ को 2 मिनिट फुटे नवा तरकारी जितेबाड़ यहपर फुटी आस ग्यास फ्लेम को लो मीडियम रखी पणस और चिंगुड़ी भल भाव सीझा जाए यह आम 8-10 मिनिट कुक करवा प्राय 8-10 मिनिट लो मीडियम फ्लेम रे कुक है पणस चिंगुड़ी बेसर ये आम प्रस्तुत हो पणस जेहेतु आगु सीझी जाता है और चिंगुड़ी सीझाप बेस समय लगे ना तेणु तो तरकार झोल यहपर सेमी ग्रेवि होगला आम ए स्वाद अनुसार किसी कटा कंचा लंका और किसी कटा धनियापतर को दे यहाँ भल भाव मिसई नवा और यार घोड़ी को आउ थे घोड़े यह मात्र आउ 2 मिनिट कुक करवा। दुई मिनिट पर आम गैस फ्लेम को अफ कर घोड़े की किसी समय पर छाड़देव किसी समय पर यार ढांकुणी को खोली मुझ तरकारी आपन को देखा देखु पणस चिंगुड़ी बेसर आमर के बढ़िया देखा तरकारी तेल पूरा अलग होरकार उठी आसी तरकारी उभय पखा और गरम भात सहित खायापी बहुत बढ़िया लगी था आपण ये पणस चिंगुड़ी तरकारी को थे बनई देखु आशा कैर आपण पसंद आसव जदि आज भिडियो आपण मैं भल लगी तेब लाइक एंड शेयर करने जमार भूल धन्यवाद।